किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक सिल्वर है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है। तो इसमें क्षार होता है। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर के बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। आयरन ऑक्साइड बना लेता है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो चूने में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो हरी मेहंदी में लहसुन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। क्षार लाल लिटमस को करता है किस रंग में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला रंग में परिवर्तित कर देता है। कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण सेब में उपस्थित किस यौगिक के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन यौगिक के कारण। निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है, तो कौन सी जंतु प्रजाति है जो विलुप्त हो चुकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोडो पक्षी जो विलुप्त हो चुकी है। कायिक जनन पाया जाता है, तो निम्न में से कायिक जनन किसमें पाया जाता है? कायिक जनन आलू में पाया जाता है। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं, नर और मादा के युग्मक संयोजन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, जो नर और मादा युग्मक का संयोजन कहलाता है। एक लिंगी पुष्प है, तो एक लिंगी पुष्प कौन है? एक लिंगी पुष्प मक्का है। द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन है? तो द्विलिंगी पुष्प आप बताइए। द्विलिंगी पुष्प सरसों है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरसों। रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा आप बताइए। नब्बे परसेंट। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा 90% होती है। वयस्क व्यक्ति का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो वयस्क व्यक्ति का एक मिनट में हृदय 100 बार धड़कता है।
लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? आरबीसी के नाम से जाना जाता है लाल रुधिर कणिकाओं को। एनीमिया रोग होने पर शरीर के किस चीज़ की कमी होती है? तो शरीर में एनीमिया रोग जब हो जाता है तो किस चीज़ की कमी हो जाती है? रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जिसके कारण एनीमिया रोग हो जाता है। मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? उससे मलेरिया रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, तो चर्म रोग के उपचार में कौन सा आइसोटोप प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो फास्फोरस। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है या घट जाता है, या आकार छोटा हो जाता है, या संख्या घट जाती है या बढ़ जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी संख्या बढ़ जाती है। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम धातु है, जो बहुत ही भारी धातु है। स्ट्रॉन्शियम लवण के द्वारा बोन्सन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किरमिजी लाल होता है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किसे बनते हैं? आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किसे बनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम कोबाल्ट एवं निकल की मिश्रित धातुओं से बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहली घटी थी? वह कौन सी घटना है जो इनमें सबसे पहले घटी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल, नीला, हरा। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत श्याम प्रिंट। ताप उपक्रम होता है, तो ताप उपक्रम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक ह्रास पर। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ आवश्यक मात्रा है आयु की, तो 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में चाहिए। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एशिया की विशालतम परिवर्तित दूरबीन कहाँ है? तो एशिया की जो विशालतम परिवर्तित दूरबीन है वह कवालूर में है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवालूर। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण कौन सा होता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल पनडुब्बियाँ पानी में चलती हैं, उनके इंजन में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो भाप का प्रयोग किया जाता है उसके इंजन में। हेलोग्राम किसे कहते हैं? तो हेलोग्राम किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के अधिक सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल और हरा। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी विस्कोसी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेल। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल नियम का उपयोग किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।